हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जब भी आप सेल्स वाउचर में एंट्री पास करते हैं तो जो आपका बिल है उस पर ये चीज दर्शानी होती है कि ये क्रेडिट का बिल है या कैश का बिल है, यानी आपने सेल कैश में किया है या क्रेडिट का है यानी उधार का है। तो ऐसे स्थिति में प्रॉब्लम है कि कैसे करेंगे इसको। तो देखिए, बिल जो है आपका बहुत आसानी से जनरेट हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए सबसे पहले तो ये गेटवे ऑफ टैली है, टैली की मेन मेन्यू, यहाँ से वी बटन प्रेस कीजिएगा, सीधा वाउचर में आ जाएंगे। तो अभी करंटली हम पेमेंट वाउचर में है, यानी F5 वाले वाउचर में है। हमें जाना कहाँ है, सेल्स में। तो F8 प्रेस करना होगा, तो F8 प्रेस कर देते हैं, आगे सेल्स वाउचर में। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है हमारा जो है, यहाँ पर एंटर जैसे ही करते हैं तो यहाँ पर रेफरेंस नंबर मांगता है, तो एक रेफरेंस नंबर हम डाल देते हैं और ये 31 मई 2023 के डेट में हो रही है परचेजिंग, ठीक है। और मान लीजिए कि ये परचेजिंग कैश की है तो सीधा सीधा कैश का लेजर आ जाता है यहाँ पे, ये कैश का लेजर आया, बाकी की डिटेल आप भर लीजिएगा, ये सारी डिटेल, ठीक है। और यहाँ पर एंटर करके आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आएगा सेल्स का लेजर, तो सेल्स का लेजर लगा देते हैं, ये लगा दिया सेल्स का लेजर, देख सकते हैं यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो भी बेचना है उस आइटम का नाम आएगा, तो यहाँ पर ये बासमती राइस है तो इसका 60 किलो हमने चावल बेच दिया और 90 रुपए का भाव से तो हमने खरीदा था, 120 रुपए किलो के हिसाब से बेच देंगे इसको। बाकी नीचे अगर जीएसटी इनेबल किया है तो सीजीएसटी एसजीएसटी आ सकता है, तो यहाँ पे सीजीएसटी आ गया, देन एसजीएसटी भी आ जाएगा, तो यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी आ गया। अब इसको हम एक्सेप्ट कराते हैं और यहाँ नरेशन डाल देते हैं, द गुड्स हैव बीन टोल्ड विथ कैश रुपीज, कितने का बेचा गया है, तो कुल मिला के 7560 रुपए का हमारा बिल है, तो जितने का बिल है वो अमाउंट यहाँ पे डाल दीजिए। तो ये डाल दिया और यहाँ पे एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो ये एक्सेप्ट भी हो गया। अब एक्सेप्ट करने के बाद सबसे बड़ी चीज है कि इसको देखना है, तो बाहर आने के लिए एस्केप बटन प्रेस कीजिए और यहाँ से दो बार डी प्रेस कीजिएगा। तो सेल्स वाला ये हमारा जो है बिल है, एंटर करते हैं, देख सकते हैं बासमती चावल था और 5 नंबर का जो वाउचर नंबर है वो ऊपर दिख भी रहा है और 45465 जो दिया था हमने वो यहाँ पे दिख रहा है, ये देख सकते हैं रेफरेंस नंबर। तो अभी इसको हम प्रिंट देंगे, तो देखिए अल्ट पी करते हैं, एंटर करते हैं और आई बटन प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर क्या प्रिंट आउट आता है, यहाँ पे टैक्स इनवॉइस लिखा हुआ है, देख सकते हैं ये जो है ना टैक्स इनवॉइस लिखा हुआ आ रहा है, देख सकते हैं कि नहीं। तो अभी ये टैक्स इनवॉइस आ रहा है लेकिन यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ये तो कैश वाली बिल है तो कैश टैक्स इनवॉइस आएगा, कैश आना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ कैश मेमो आना चाहिए या कैश टैक्स इनवॉइस आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको यहाँ से बाहर आने के लिए एस्केप बटन, एक बार और एस्केप बटन प्रेस किया, यहाँ पर आपको मिलता है F8 यानी प्रिंट फॉर्मेट और ठीक उसके ऊपर F7 यानी टाइटल। तो F7 प्रेस कीजिए और ये जो टैक्स इनवॉइस है ना इसको हटा दीजिए, इसको कर दीजिए कैश मेमो। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे कैश मेमो लिखा हुआ है तो कैश मेमो कर दीजिए, एंटर करिए और अब इसका प्रीव्यू एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये कैश मेमो आ गया, देख सकते हैं। अगर मान लीजिए उधार का है तो क्रेडिट इनवॉइस कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हालांकि ये बिल जो है कैश वाला है लेकिन यहाँ पर अगर आप उधार दिखाना चाहते हैं तो यहाँ क्रेडिट इनवॉइस कर दीजिए, इनवॉइस, क्रेडिट इनवॉइस का मतलब कि ये उधार का बिल है। तो आप जब आई बटन प्रेस करके देखेंगे तो उधार का बिल क्रेडिट इनवॉइस यहाँ पे आ रहा है, देखिए यहाँ पे क्रेडिट इनवॉइस आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से क्रेडिट और कैश मेमो आप शो करा सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।